गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अगेन विद यू इन दिस लॉकडाउन पीरियड विद माय न्यू टॉपिक, माय कॉलेज मिनट। पेपर फर्स्ट, सॉरी पेपर सेकंड, बीएड फर्स्ट ईयर, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। ठीक है, जब आपने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको उसमें फर्स्ट यूनिट को ना टीच कर रीड करके सेकेंड यूनिट को जो है लेना आपने, उसमें सबसे पहले टॉपिक जो आपका मैकॉले मिनट। तो मैकॉले का फुल नाम था थॉमस रविंगटन मैकॉले, आपको बीएड की बुक में कहीं नहीं मिलेगा, तो इनको हम टीवी मैकॉले भी कह सकते हैं। मैकॉले जो है बहुत ही लर्न स्कॉलर था और मैकॉले जो है इंडिया में 10 जून 1834 को एज ए मेंबर ऑफ लॉ ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उनको इन्वाइट किया था और उनको हेड बनाया था पब्लिक इंफॉर्मेशन कमेटी का। तो लॉर्ड मैकॉले ने 2 फरवरी 1835 में अपनी जो मिनट है वो बेंटिंक गवर्नमेंट को दी। उनकी इसमें देखिए दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, वेरी फर्स्ट की उनकी मिनट्स क्या थी या उनकी रिकमेंडेशन क्या थी, और सेकंड की आप मैकॉले को कैसे क्रिटिसाइज करेंगे। तो मैंने दोनों को समअप करने की कोशिश की है कि छोटी सी इस वीडियो में आपको मैं दोनों चीजें बता दूं। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड के दौरान मैंने आपको टोटल कंप्लीट सिलेबस जो है वो इन पेपर का करवा देना है वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहली उनकी जो मैकॉले के एजुकेशनल आइडिया थे, जो मैकॉले मिनट है उसी को मैकॉले एजुकेशनल आइडिया के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले उनका स्ट्रेस ऑन इंग्लिश, मैकॉले जो था वो उस दौरान इंडिया में आया था जब इंग्लिश रूल कर रहे थे हमारे ऊपर, तो उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो है वो इंग्लिश पे दिया और इवन उन्होंने बोला कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन शुड बी इंग्लिश, कि इंग्लिश क्योंकि उनको इंग्लिश पढ़े लिखे लोग चाहिए थे, उनको सर्वेंट भी चाहिए, उनको वर्कर भी चाहिए, तो उनको कम्युनिकेट जो है वो इंग्लिश में कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर दिया कि इवन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश। और उन्होंने वो क्या किया, इंडिजीनियस जो लैंग्वेज है उन्होंने बोला इंडिजीनियस लैंग्वेज, इंडिया की जो इंडिजीनियस लैंग्वेज है, जो ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेज है, उनको उन्होंने इवन इतना मजाक भी उड़ाया कि वो इनकेपेबल लैंग्वेज है, इनसफिशियंट लैंग्वेज है और वो साइंटिफिक आउटलुक में हिंड्रेंस है। तो इसको अगर हम क्रिटिसाइज वे में देखें, नेगेटिव एस्पेक्ट इसका देखेंगे, तो इन्होंने जो है वो इंडियन ट्रेडिशनल लैंग्वेज का मजाक उड़ाया, उन्होंने हिंदी अरबी फारसी जो भी इंडियन लैंग्वेज थी उनको इनकम्प्लीट लैंग्वेज बोला। मास्टर्स लैंग्वेज की इन्होंने बात की, मास्टर मीन्स की जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं वो इंग्लिश एजुकेटेड लोग हैं, उनको इंग्लिश चाहिए, तो जब हमारे इंडियन लोग जो है वो इंग्लिश एजुकेशन लेंगे तो उनको जॉब्स मिलेंगी, उनको ट्रेड में हेल्प मिलेगी, उनको जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाएगी, तो नेचुरल सी बात है। तो इन्होंने यहाँ पे मास्टर लैंग्वेज की बात की। देन हेल्पफुल फॉर फॉरेन ट्रेड, अभी जैसे इंग्लिश पढ़े लिखे लोग होंगे, इंडियंस जो है वो इंग्लिश को समझेंगे, इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे, तो नेचुरल सी बात है उनको हर तरीके की जॉब मिलेगी और उनको ट्रेड में भी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है तो उनको जो है फॉरेन से, जैसे हम पढ़ते भी आए हैं कि कच्चा माल यहाँ से लान ले जाना या जितना भी ट्रेड है उन सभी में उनको जो वर्कर की जो ऑफिसर की जिसकी भी जरूरत थी तो उनको वो इंग्लिश पढ़े लिखे लोग चाहिए। नेक्स्ट पर साइंटिफिक आउटलुक, वो कहते हैं कि उन्होंने इंडियन तो साहित्य का भी इतना मजाक उड़ाया, वो कहते हैं कि इंडियंस लोग जो है वो रॉन्ग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रॉन्ग एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, रॉन्ग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत तो मानते हैं ना कि दूध दही की नदियां बहती हैं, 50-50 किलो की हमारे जो राजा महाराजा लोग थे वो 30-30 किलो की तो ड्रेस पहनते, 50-50 केजी की उनकी तलवारें होती थी, तो वो कहते थे कि हमारी अगर लड़कियां इनको पढ़ेंगी तो वो तो हंसेंगी इंडियंस के ऊपर कि इंडियन जो है वो रॉन्ग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रॉन्ग एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, रॉन्ग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इम्फसाइज ऑन वेस्टर्न साइंसेस एंड टेस्ट, मैकॉले ने कहा था कि हमें ऐसे भारतीय चाहिए जो खून और वर्ण से तो भारतीय हो बट उनके जो है टेस्ट, उनका जो है वो आउटलुक, उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनका जो मेंटल आउटलुक है वो कैसा होना चाहिए, ब्रिटिश लोगों वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो ये जैसे लैंग्वेज की बात कर रहे थे यहाँ पे भी वेस्टर्न इसमें साइंस में, कि जो नॉलेज है ना वो हमें वेस्टर्न कल्चर से मिलेगी, उन बुक्स को हम पढ़ें, तो क्योंकि वो इंग्लिश में ही फोकस इसलिए भी उनका मेन था कि जो हिंदी हमारी इंडियन ट्रेडिशनल लैंग्वेज है कि उनमें वो
इनकम्प्लीट है, उनमें वो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उनको वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ाया जाए, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ पे सारा पाश्चात्य सभ्यता का प्रचार करना था, उनको तो उस आउटलुक के लोग चाहिए थे। तो उन्होंने कि हमें खून और वर्ण से भारतीय हों और उनके टेस्ट हैं जो उनका ऑल थिंग है वो सारा ब्रिटिश होना चाहिए। इवन उन्होंने इंडियन जो उनको साहित्य के लिए तो इतनी बड़ी बात बोली कि इंडिया का संपूर्ण साहित्य जो है ब्रिटिश लोगों की एक अलमीरा के समान है। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट में भी ले सकते हैं यहाँ पे इस चीजों को। स्पेंड मनी ऑन इंग्लिश एजुकेशन, उनका था कि जो इंडिया के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनको ग्रांट देने की बात भी उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारे जो है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे जो है वो एक्सपेंड करना है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन की बात है, चाहे वो लाइब्रेरी स्टेब्लिश करने की बात है, या बुक्स स्टेब्लिश की बात है, जो भी है कि उन्होंने टोटल टोटल इंग्लिश की तरफ उनका रुझान में था। प्रमोशन ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, मैकॉले ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को फॉलो करता था। मीन्स की हमने जो है वो उन्होंने यहाँ पे इस थ्योरी के पीछे लॉजिक भी दिया कि इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम हर इंडियन को जो है एजुकेशन दे सके, कि पहले हम कुछ इंडियन को एजुकेशन देंगे और उसके बाद जो है वो बाकी जो मास एजुकेशन जो है वो उनको देंगे। बेस्ट लाइब्रेरी, यूरोपियन लाइब्रेरी, जैसे अभी मैंने पहले भी कहा, उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन लाइब्रेरी है वो सबसे बेस्ट है। इन्होंने बोला था ना कि संपूर्ण इंडिया का साहित्य जो ब्रिटिश लोग अलमीरा के समान है। इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स अ ग्रुप ऑफ लॉयल पीपल टुवर्ड्स ब्रिटिश, की इंग्लिश पढ़े लिखे जो लोग होंगे वो ब्रिटिश लोगों के लिए जो है वो ज्यादा लॉयल होंगे, अपने मालिक की बात ज्यादा मानने वाले होंगे वो। इधर मैंने लिखा आपको कि सेकुलर पर्सन, ये कहा जाता है कि मैकॉले जो है एक सेकुलर पर्सन था। ब्रिटिश लोग जो थे वो कहते थे कि भी हमने दूसरों के धर्म में कोई इंटरफेयर नहीं करना, बट जब हम यहाँ लेते हैं कि सेकुलर पर्सन था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाई हार्ट तो वो क्रिश्चियन था, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था, प्रचार प्रसार करता था उसका। तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। अटैक ऑन इंडियन कल्चर, नेगेटिव एस्पेक्ट में आप यहाँ पे ले सकते हैं कि उन्होंने तो बोला क्लियरली बोला कि इनकी लैंग्वेज इनकम्प्लीट है, ये तो रॉन्ग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रॉन्ग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। एक ये आईपीसी ये मेन है आपका एक पॉइंट यहाँ पे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो इंडियन पेनल कोड है वो मैकॉले की देन है, क्योंकि वो एज ए लॉ मेंबर इंडिया के अंदर आया था। तो आई थिंक कंप्लीट है ये वीडियो, इतना कंटेंट मैटर आपके लिए। थैंक यू सो मच, और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।